चाय की दुकान, आज कहाँ रेड मारनी है? आज कोई रेड नहीं, बहुत भूख लगी है, चलो कहीं खाते हैं। ए सक्सेना, भूख लगी है तुझे? मुझे पानी तक नहीं पूछते, आज पूछ रहे हैं भूख लगी है कि नहीं। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? दो दिन से कुछ नहीं खाया मालिक। तो बताओ कहाँ खाने चले? पास में ही ओनली सांबर करके एक होटल है, वहाँ चले क्या? इस एरिया का बहुत फेमस होटल है सर, देखिए ना अभी से कितनी भीड़ लगी है, मैं भी रोज इधर ही खाता हूँ। पोकट में तो नहीं खाते? सर मैं पैसे देता हूँ, ये लेते ही नहीं। सर यहाँ सेल्फ सर्विस है, आप बैठिए मैं खाना लेके आता हूँ। पर पहले पैसे देना। ठीक है आज UPI से देता हूँ। सर प्लीज, आप ऐसे भीड़ में आएंगे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? आप लोग प्लीज लाइन में आइए। क्या खुशबू आ रही है सर, ये तो खा। तुम लोग अपना अपना लेके आ जाओ रे। सर खाना सूंघने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ, मैं दूसरे हाथ से खा लूंगा। अच्छा हम खाने नहीं आए, रेड करने आए? सर वॉश बेसिन बाहर है, आप अंदर नहीं आ सकते। अभी सॉरी सर। दाल कहाँ से ली थी? सर वो मैं जितना पूछा उतना बोलो। बोल कहाँ से ली? सर ये मैंने एजेंसी से लिया था, हमने सर। बोल डाला। क्या मिलाते हैं उस दाल में? पैकेट पर लिखा है साहब, देसी घी वाली दाल है। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, झूठ मत बोल। ओ ऑफिसर हो तब तो सच बोलना ही पड़ेगा। जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, टेस्ट बढ़ता है उससे। पब्लिक दाल के साथ उंगलियां भी चबा डालती है। कितने कमीने हो तुम, दाल में चर्बी मिला रहे हो? उस होटल को वेजिटेरियन समझ के लोग वहाँ खाना खाने आते हैं बे। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी, क्या यह गलत नहीं है? इसमें गलत क्या है? हैं? घी आती कहाँ से है? मक्खन में से घी निकलता है भैया, सबको पता है। गाय के दूध से दही जमाते हैं और फिर उसे मत कर मक्खन निकालते हैं। पर ये बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। तुम लोग अपना रेट बताओ, जेब गर्म करो और यहाँ से चलते बनाओ। मेरी जेब गर्म नहीं होती है, भेजा गर्म होता है। ये तूने अच्छा नहीं किया, अब तुझे हॉस्पिटल भेजता हूँ। तुझे भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाने वाला हूँ। रुकिए दादी, सक्सेना सर पढ़ो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। 23/5/1983, ये तो कंपनी खोलने की डेट है। सर जो जानकारी जरूरी नहीं है वो तो क्लियर है, पर एक्सपायरी डेट को काट के मिटा दिया गया है। इस पैकेट को लेकर आओ मेरे साथ। इस ब्रेड की एक्सपायरी डेट बताना। छापा तो है उसके ऊपर, पढ़ना नहीं आता क्या? साफ साफ देख नहीं रहा, तुम्हें पढ़ के बता दो मुझे। अरे भाई धंधे का टाइम है, दिमाग मत खराब करो, लिखा है इस पे, जाओ जाके अपना काम करो। ये अपना काम ही कर रहे हैं। क्या क्या घूर कह रहा है? हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आए साहब जी। हर पैकेट ऐसा ही है, धोखेबाज कहीं के पब्लिक को मामू बनाने के लिए एक्सपायरी डेट मिटा के ब्रेड बेच रहा है। किसी पैकेट पे डेट नहीं है सर। सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे गरीब मरीज खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं।
और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे। ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 दिन की होती है, अगर 10 दिन बाद कोई खाए ना तो जानते हो उस इंसान का क्या हाल होगा। होना क्या है सर, बीमारों के इसी अस्पताल में आएंगे, इस कैंटीन का धंधा चलेगा, है ना। वो बात नहीं है साहब। इस कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है साहब? कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? ए, क्या पूछ रहे हैं, मुँह में ब्रेड भरी है क्या, बोलना। वो इस हॉस्पिटल का डीन है सर। मुझे इस मैटर में मत फंसाओ साहब, वरना मेरी कुर्सी कट जाएगी साहब। अकेली सिर्फ तेरी कुर्सी नहीं कटेगी। आपका मतलब डीन साहब? सक्सेना तुम पहुंच गए ना? सर आपके कहे मुताबिक फैक्ट्री के सामने ही खड़ा हूँ। गुड, अगर कोई गाड़ी बाहर निकले तो उस पर नजर रखना। सर एक ब्राउन गाड़ी आ तो रही है। ठीक है, उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर। ठीक है सर। कहाँ तक पहुंचे? सर नॉर्थ साइड फ्लाईओवर के ऊपर। ठीक है, पीछा करते रहो सक्सेना। सर गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है। इसका पीछा करता रहा तो कन्याकुमारी तक ले जाएगा सर ये मुझे। कुछ भी हो जाए वो गाड़ी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, पीछा करते रहो। सर गाड़ी कचरा पट्टी के अंदर घुस गई है। तब तक पीछा करते रहो जब तक वो गाड़ी कचरा ना गिरा दे। सरकारी अफसर होने के बावजूद कचरा उठाना पड़ रहा है। सर गाड़ी कचरा गिरा के चली गई। सर हेलो, स्विच ऑफ है। जहाँ जाते हैं चार चार चिल्लाते रहते हैं मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं। सक्सेना। अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया सर। अब क्या करना है सर? कचरे की तलाश लो। सर मैं एक ऑफिसर हूँ। और मैं एक सीनियर ऑफिसर। जो हुक्म मेरे आका। सर ये क्या है, अच्छा खासा ड्रम तोड़ के फेंक दिया। लोग इसमें पानी वानी भर के रखते हैं, हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें, इसे बेच के 2-3 हजार तो मिल जाता। सर वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सक्सेना ढूंढो यहाँ कहीं ऐसा टुकड़ा और। हाँ सर। अरे बाप रे, सर यही ढूंढ रहे हैं। फॉर्मलिन, कोई फूड कंपनी फॉर्मलिन का क्या करेगी? सक्सेना समझ गया सर। कटिंग कटिंग है, कटिंग शेयर करेगा। सब गया सोने चांदी, सब गया। कटिंग कटिंग है, जमीन जायदाद गई, सब बेच डाला मैंने, मुझे अब कुछ नहीं बचा। ये दारू ने मुझे नंगा कर दिया भाई। इज्जत उतर गई है तेरी, संभाल। दारू बंद करो, तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इधर से निकल। वही तो बोला मैं, वही वही ये संभाल कर दो। कटिंग, ए कटिंग कटिंग। बड़े भाई मुझे भी कटिंग में पीनी है। अच्छा, बस 10 रुपए कम है। आजा आजा कोई बात नहीं। थैंक यू भाई। यार चखने पे भी GST छोड़ना। अच्छा सुन, तुझे GST के बारे में पता है क्या? आप ही बता दो ना। सामान एवं सेवाओं का कर। मतलब? मतलब उसने हमको सामान दिया ना, और इस सेवा के लिए हम उसे टिप देते हैं, समझा? यही है सामान एवं सेवाओं का कर। क्या बढ़िया बताया भाई। पब्लिक को ऐसे ही समझ में आता है, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने का ना। पर एक बात है, जायदाद बराबर बटे ना बटे, शराब बराबर बटनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर का पैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सक्सेना, चढ़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं। तुम कौन हो भाई? अभी आगे सर समझाएंगे। मैं कौन हूँ ये जाने दो, तुम तो खुद को भी नहीं पहचानते। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हो ना, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। एक शानदार फूड कंपनी में 75,000 मंथली सैलरी, चाहते तो किसी अच्छे से होटल में बैठकर पी सकते थे, पर तुमने उस नौकरी को लात मार दी, और ऐसे छोटे से दारू के अड्डे पर कटिंग दारू पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बारे में तुमको कैसे पता? शर्म तो आती है सर, ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आएगी ना।
मेहनत और ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर, सब किताबी बातें हैं। उस फैक्ट्री में काम करने से अच्छा है मैं यहाँ दारू पीकर अपनी जान गंवा दूँ। तुम जिस फूड प्रोडक्ट कंपनी में काम करते थे